हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ सपोर्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो मैजिकल ट्रिक्स ट्रिक्स जो आपके ऑफिस वर्क को काफ़ी आसान बना देती है। तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आधार नंबर लिया है और यहाँ पर हमने लिया है क्रेडिट कार्ड नंबर, और यहाँ पर हमने जो अपना आधार नंबर है ये बिना स्पेस के टाइप किया है, और यहाँ पर हम ये चाहते हैं जो हमारा आधार नंबर है इनके बीच में स्पेस लगा हुआ आ जाए कुछ इस तरह। इसी तरह हम अपने क्रेडिट कार्ड नंबर में भी यही कंडीशन चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर मेंशन किए हैं इन सभी के बीच में जो है स्पेस लगा हुआ आ जाए कुछ इस तरह। तो ये हमारी पहली ट्रिक रहेगी। इसके बाद दोस्तों, हम अपनी दूसरे ट्रिक में ये सीखेंगे कि किस तरह हम क्वार्टरली पीरियड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, क्वार्टरली पीरियड जनरेट करने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम अपनी कोई डिटेल क्वार्टरली मेंटेन करते हैं, जैसे कि GST की, सेल की, परचेज की, TCS की या अन्य कोई डिटेल, ठीक है। तो उस केस में हमें इस तरह के पीरियड जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप ये क्वार्टरली पीरियड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैन्युअली बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ये चाहते थे जो हमारा आधार नंबर है या क्रेडिट कार्ड नंबर है, तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखी हुई हैं, जो हमने नंबर टाइप किए हुए हैं, इनके बीच में स्पेस लगा हुआ आ जाए कुछ इस तरह, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा आधार नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है, और अगर हम 11 अंकों से बड़ी कोई संख्या अगर एक्सेल में टाइप करते हैं तो वो साइंटिफिक वैल्यू शो होता है, जो हमारी समझ के बाहर है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अपना आधार नंबर टाइप कर रहे हैं तो उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को डिलीट कर लेता हूँ, और इसके बाद दोस्तों हम इन सभी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और Ctrl+1 प्रेस करते हैं। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद जो हमारा फॉर्मेट सेल का विंडो है ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद नंबर वाले टैब में आपको नंबर का एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप ओके प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर जितने भी सेल हैं ये सभी नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम नए आधार नंबर टाइप कर लेते हैं विदाउट स्पेस। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ आधार नंबर मेंशन कर दिए हैं। अब इसके बाद हमारा काम ये है कि इन सभी नंबरों के बीच में स्पेस लगाना। तो सबसे पहले आपको इन सभी आधार नंबर को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको Ctrl+1 प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। इसके बाद आप सबसे नीचे आएंगे तो कस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर जो जनरल लिखा हुआ है इसे आप बैक स्पेस की मदद से डिलीट कर दीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो 12 नंबर हैं, तो यहाँ पर हम चाहेंगे 4 डिजिट के बाद स्पेस लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 00 4 बार टाइप करेंगे, और उसके बाद एक स्पेस लगाएंगे, और उसके बाद फिर से हम 0 4 बार टाइप करेंगे और फिर से स्पेस लगाएंगे, फिर से हम 4 बार 0 टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 12 डिजिट बन जाएगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपली ओके प्रेस कर देंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा आधार नंबर था इन सभी नंबरों के बीच में स्पेस लग चुका है 4 डिजिट के बाद, ठीक है। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मूले को। तो यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड नंबर है इसको हमें नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अपना जो फॉर्मूला है उसे यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और उसके बाद हमें इस सेल पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद हमें कोमा लगाना है, और उसके बाद आप डबल कोट्स लगाइए। और यहाँ पर जो हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर है वो 8 डिजिट का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 बार 0 टाइप करेंगे। तो 8 बार 0 आपको कैसे टाइप करना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर हम 3 बार 0 टाइप कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर स्पेस लगाएंगे, और उसके बाद हम 2 बार 0 टाइप करेंगे, और उसके बाद फिर एक बार स्पेस लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर
तीन जीरो टाइप करेंगे और उसके बाद हम डबल कोट्स लगाएंगे दोबारा से और इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर है इनके बीच में स्पेस लग चुका है। बाकी इस फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं तो ये फार्मूला बाकी के सेल में पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ पर आप जितना स्पेस लगाना चाहें लगा सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर ज़्यादा स्पेस लगा सकते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप एक्सेल में क्वार्टरली पीरियड जनरेट कर सकते हैं। तो जो हमारा क्वार्टर होता है वो 3 महीने का होता है, तो यहाँ पर हम अपना ईयर स्टार्ट करने वाले हैं 1/4/2017 से। तो ये हमारा क्वार्टर एंड होगा 30 जून 2017 को, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नया क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2017 से और ये क्वार्टर एंड होगा 30 सितंबर 2017 को, ठीक है। अब इसके आगे आपको ये क्वार्टर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इन सभी क्वार्टर को जनरेट करने के लिए आपको इन चारों सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चारों सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो प्लस का आइकन दिख रहा है आपको यहाँ पर लाना है अपने कर्सर को और यहाँ से पकड़ के अपने माउस को दबा के रखिए और जहाँ तक भी आपको अपना पीरियड जनरेट करना है उतने सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा 2022 तक जनरेट हो गया है ये क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 30 सितंबर 2017 को एंड किया था, उसके बाद ये हमारा जो क्वार्टर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारा पीरियड आ रहा है ये एकदम एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट एंड बाय।